गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ माय एक्सपीरियंस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में मूली के पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये स्टफ़ पराठे मैं बनाऊंगी और आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत ही यम्मी बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी, टेस्ट में बहुत ही अच्छे सब कुछ इन पराठों के अंदर होगा। और ये सिंगल लेयर पराठे होंगे स्टफ़ करके, जैसे आप आलू पराठा बनाते हैं उसी तरीके से आप ये मूली पराठा बना सकते हैं। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं मूली के पराठे बनाने की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 3 मूली ली है और 2 लोगों के लिए मैं ये पराठे की रेसिपी तैयार कर रही हूँ। और ये इलेक्ट्रिक चॉपर है जिसके अंदर की मैं से पील करके मूली को चॉप करूँगी। और ये एक मलमल का कपड़ा है जिसके अंदर मैं रख कर मूली का जो एक्सेस वाटर होगा उसको स्क्वीज आउट करूँगी। तो आप चाहें तो मैनुअल ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, फूड प्रोसेसर में ग्रेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक चॉपर मोस्टली यूज़ करती हूँ। इसके अंदर भी काफ़ी फाइन चॉपिंग हो जाती है तो पूरा ग्रेटिंग का जो इफेक्ट होता है वो मिल जाता है मुझे इस चॉपर से। सो मैं इसी में कर लेती हूँ और ये काम जो है वो विद इन सेकेंड्स हो जाता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आफ्टर पीलिंग मैं मूली को इन छोटे टुकड़ों में काट कर चॉपर की मदद से इसको चॉप कर लूँगी और 1 मिनट से कम समय के अंदर ही बहुत ही अच्छे से ये मूली जो है वो चॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मूली है वो कितनी ज़्यादा फाइन चॉप हुई है जिसकी वजह से उसका एक्सेस वाटर बहुत ही इजीली मैं इस कपड़े की मदद से स्क्वीज आउट कर लूँगी। आप अगर इस कपड़े की मदद से मलमल का कपड़ा अगर आपके पास है या कॉटन का कोई कपड़ा अगर आप उससे स्क्वीज आउट करते हैं तो बहुत ही ईजिली कम मेहनत में और कम फैलावा किए हुए ही मूली का जो रस है वो अच्छे से स्क्वीज आउट आप कर सकते हो। सो मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ और इससे जो मूली होती है वो ड्राई हो जाती है और पराठे फटने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो मैं सेम कंटेनर में ही जो मूली है उसको स्क्वीज़ आउट कर रही हूँ और ये पानी मैं फेंकूँगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मूली का जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इस पानी में होता है और इसको मैं यूज़ करूँगी आटा मारने के लिए। तो मैं इसलिए यहाँ पर निकाल रही हूँ और फ्रेश मैं पहले स्क्वीज़ करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए मूली को इसी कपड़े में छोड़ दूँगी और फिर जब स्टफिंग तैयार करूँगी तो उससे जस्ट पहले भी थोड़ा सा स्क्वीज़ आउट कर लूँगी। इस तरीके से मेक श्योर कर लें कि जो मूली का पानी है वो बिल्कुल भी मूली में ना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से सारा जो रस है मूली का वो निकल चुका है। तो यहाँ पर मैंने लिया है आटा, गेहूं का आटा है ये। इसमें आप चाहें तो बेसन का भी 1-2 चम्मच आटा ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ प्लेन आटा भी लिया है और इसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल, बहुत ज़्यादा मैं ऑयल नहीं डालने वाली हूँ, और थोड़ा सा डालूँगी नमक। ये सब डाल करके मैं आटा गूंद लूँगी और आटा गूंदते टाइम अब ध्यान रखें कि बहुत ही नरम आटा रखें। जितना नरम आपका आटा रहेगा स्टफिंग उतनी ही अच्छे से पराठे में स्प्रेड होगी और पराठा सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आटा जितना गीला होगा उतना अच्छा होगा, टाइट आटा बिल्कुल भी ना रखें, अदरवाइज़ आपके जो पराठे वो बहुत ही टाइट से बनेंगे, उनमें स्टफिंग फैलेगी नहीं। तो अब हम लोग तैयार करेंगे मूली की स्टफिंग। उसके लिए मैंने धीमी आंच पे एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में डालूंगी साबुत जीरा, साबुत धनिया, साबुत सौंफ। ये तीनों चीज़ें साबुत डालनी है, थोड़ा थोड़ा सा डालना है और उसके बाद इसको धीमी आँच पर ही ड्राई रोस्ट करना है करीब 1-2 मिनट के लिए, जब तक कि आपको अच्छी खुशबू ना आ जाए। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद इसे क्रश कर लें। तो मैं यहाँ पर इसको निकाल ले रही हूँ, थोड़ी देर ये ठंडा होगा तब तक मैं अपना नेक्स्ट स्टेप करूँगी, उसके बाद मैं इसे क्रश कर लूँगी। तो यहाँ पर ये डालेंगे अगर आप फ्रेश भून करके क्रश करके तो इसकी एक स्मेल, इसका जो एक टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है, मूली का पराठा बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा बेसन, ये करीब 1 चम्मच मैं बेसन भून रही हूँ, थोड़ा सा बस इसे ड्राई रोस्ट ही करूँगी और उसके बाद ये जब मूली में जाएगा तो एक अच्छा सा फ्लेवर भी देगा और जो मूली का एक्सेस वाटर है जो हम ऐसे रिमूव नहीं कर सकते हैं कर पाते हैं वो इस जो बेसन है वो सोख लेता है पानी, तो काफ़ी अच्छे से मूली जो है वो ड्राई बनी रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने 2 पराठे शुरू किए तो अच्छे बना लिए, लास्ट में आपका जाके स्टफिंग जो है वो गीली होती जा रही है और आपके पराठे अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए अगर आप ये थोड़ा सा बेसन अगर ऐड करते हैं मूली के अंदर तो आपका जो स्टफिंग है, आप अगर बहुत सारे पराठे भी बनाने वाले हैं तो आपका जो मूली है वो पानी नहीं छोड़ता, आपकी स्टफिंग गीली नहीं होती है। तो आप एक बार ज़रूर ये ट्रिक फॉलो करके देखिएगा। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच बेसन को काफ़ी अच्छे से भून ले रही हूँ ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो अब एक बाउल के अंदर मैं निकाल लूँगी ये मूली, जो कि रस जिसका हमने निकाल लिया है, मूली काफ़ी अच्छे से ड्राई भी हो चुकी है तो इसको हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा अदरक, मैं अदरक यहाँ पर ग्रेट करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो एक प्याज भी आप थोड़ा सा बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं प्लेन मूली का ही बना रही हूँ अभी।
और उसके बाद मैं ऐड करूंगी ये भुना हुआ बेसन। तो मैं यहाँ पर पूरा बेसन यूज़ नहीं कर रही हूँ, आधा ही बेसन यानी कि आधा चम्मच बेसन मैंने लिया है, बाकी मैंने छोड़ दिया है। ये आप चेक कर लें कि ऐसा ना हो बेसन बेसन सा ही टेस्ट है। सिर्फ हल्का सा बेसन आपको डालना है ताकि मूली का जो भी एक्सेस वाटर नमक डालने के बाद भी अगर वो निकलता है तो ये जो बेसन है वो सोख लेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके बाद मैं एक हरी मिर्ची को बारीक चॉप कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर एक ही मिर्ची ले रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा तीखा या कम तीखा कर सकते हैं, ये मिर्ची भी काफ़ी तीखी है। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ हरी मिर्ची डालूंगी। ये हरा धनिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा हींग, हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद डालूंगी थोड़ा सा अजवाइन, इसको हाथ से ऐसे क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर और फ्रेग्रेंस देता है। उसके बाद जो मैंने क्रश किया हुआ था धनिया, जीरा और सौंफ का, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा रहता है। लास्ट में पराठा जस्ट बनाने से पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आमचूर। ये नमक जो है वो एकदम लास्ट में जितना हो सके उतना लास्ट में आप डालें, तो उससे क्या होता है कि मूली जो है वो एंड तक ड्राई बनी रहती है। तो अब मैं जा रही हूँ पराठे सेकने, और इसके अंदर मैंने इसीलिए नमक ऐड कर लिया है और थोड़ा सा आमचूर। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कितना नमक आपको चाहिए, कितना खट्टा चाहिए, तो उसके हिसाब से आप आमचूर डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम अमाउंट में आधा चम्मच जो आमचूर है वो डाल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आटे की छोटी सी बॉल लूँगी, इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और इसको एक कटोरी का शेप दूंगी, और इसमें ध्यान रखना है कि जो साइड्स हैं वो पतली हों और बीच का जो सेंटर है वो मोटा रहे। उसके बाद मैं इसमें अच्छे से स्टफिंग फिल कर दूंगी। तो मैंने छोटी सी बॉल ली है और उसके अंदर मैंने एक बड़ा चम्मच स्टफिंग डाल के, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप सील कर लें इसको अच्छे से, और आटा गीला होने की वजह से जो आपकी स्टफिंग है वो अच्छे से स्प्रेड होगी और पराठे फटेंगे नहीं। और अब मैं इसे बेल लूँगी, हल्के हाथों से आपको बेलना है। यहाँ पर एक ट्रिक आपको बता दूँ कि आपको मूली के पराठे बेलते टाइम बहुत ही हल्का हाथ रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा दबा के अगर बेलेंगे तो जो मूली है वो दबने से अपना जो नमक डला हुआ है उसके अंदर तो रस जो है वो छोड़ेगी और आपके पराठे फटने लगेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि बहुत ही हल्के हाथ से आप मूली को बेलें। तो आप देख रहे हैं कि पराठे कितने अच्छे से बेल रहे हैं और एकदम अच्छे से पूरी जो स्टफिंग है वो अब पूरे में स्प्रेड हो गई है। सो इस तरीके से आप बनाएंगे पराठे तो आपके पराठे बिल्कुल फटेंगे नहीं और बहुत ही टेस्टी लगेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही ईजिली आप देख सकते हैं जैसे कि आलू के पराठे बनाते हैं आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। सो इसी तरीके से मैं अच्छे से पहले इसको सेक लूँगी और एक एक करके मैं सारे पराठे जो अपने बना लूँगी। सो दोस्तों ये देखिए पराठे जो हमारे बनके तैयार हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से बन गए हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं से भी ये कटे फटे नहीं है, जैसे कि आप आलू का पराठा इजीली बना लेते हैं उसी तरीके से ये मूली के पराठे भी बन गए हैं। तो मैंने यहाँ पर चटनी और सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो दही, रायता, पिकल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पराठे को बीच में से फाट के आपको दिखा रही हूँ, ये स्टफिंग जो है वो पूरे आटे में फैल गई है। ऐसा नहीं कि कहीं स्टफिंग है कहीं आटा आटा मुँह में आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। पराठा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगा क्योंकि फिलिंग जो है वो पूरे आटे में बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हुई है। सो पराठे तो बन चुके हैं और अब हम अपने मास्टर शेफ को ये पराठे खिलाएंगे और उनसे जानेंगे कि ये पराठे वाकई में कैसे बने, उन्हें कैसे लगे। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो मास्टर शेफ़ हैं उनको ये पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और वो उनका जो हाथ है टेस्टी बोलते बोलते थक नहीं रहा है, वो कह रहे हैं कि उन्हें एक बार और खाना है। सो हम एक बार और उन्हें खिलाएंगे और एक बार और उनसे पूछेंगे कि ये पराठे कैसे लगे।
सो गाइज़ ये था आज का वीडियो. आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि मूली के परांठे बनाना सच में एक ट्रिकी रेसिपी है. तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.